Assalamualaikum, khushamadid, marhaba, welcome back in another vlog. Title और thumbnail से आप सभी को पता चल गया होगा कि आज के वीडियो का टॉपिक क्या है, मोटिव क्या है, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है. आप अभी ये भी सोच रहे होंगे कि मैं ब्लैंकेट में क्यों बैठा हूँ. लाजिम है सवाल है. देखो यार, दिल्ली में ठंड काफी बढ़ चुकी है. मतलब सुबह के टाइम में अभी 10 बज रहा है और ऐसा लग रहा है कि मैं शिमला या मनाली में, मेरे दोनों हाथ ठंड, पैर ठंडा हो रखा है पूरा. मतलब मुझे ब्लैंकेट से बाहर निकलने का दिल ही नहीं करता है. मैं तो एक एक दो दो बजे तक ब्लैंकेट में ही बैठा रह रहा यार, आजकल यार सोया रह रहा. बिकॉज इन अ विंटर ब्लैंकेट इज माय बेस्ट फ्रेंड. आई लव यू ब्रो. चलते हैं, फ्रेश होते हैं, फिर हम आपसे मिलते हैं, कुछ बातें होते करते हैं. क्योंकि बहुत सारे कमेंट इसलिए आए थे कि भाई अगर हमें हॉस्टल नहीं मिलता है जामिया में तो हम कहाँ रहें, क्या करें, कौन सी ऐसी जगह जो जामिया से नज़दीक है जहाँ पे खाने वाने के भी मसले नहीं है और रूम भी इजली मिल जाता है. तो इसके बारे में हम बात करेंगे. ठंड है लेकिन एवरीथिंग इज टेम्प्रोरी बट स्वैग इज परमानेंटली. तो खैर, हम आते हैं पॉइंट पे. अगर जामिया में आपको हॉस्टल नहीं मिलता, आप कहाँ रहोगे? सबसे पहले तो ये ध्यान में रख लो कि जामिया में हॉस्टल मिलना एडमिशन लेने से ज़्यादा मुश्किल है. क्योंकि जामिया में हॉस्टल की जो सीट्स है वो बहुत कम है और बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से हॉस्टल बहुत मुश्किल से मिलता है. तो हॉस्टल को रखो सेकेंड ऑप्शन और बाहर कहाँ रहना है इसको रखो फर्स्ट ऑप्शन. मैं आपको कुछ जगह बताऊंगा जहाँ पे जामिया के 95% स्टूडेंट रहते हैं. जितने स्टूडेंट बाहर रहते हैं उसमें से 95% स्टूडेंट बटला हाउस में रहते हैं, क्योंकि बटला हाउस में हर एक वो चीज़ मिलती है स्टूडेंट्स को जो उनको चाहिए होता है. सबसे बड़ी बात, कॉलेज नज़दीक है, 2 मिनट और 5 मिनट का रास्ता है. तो आप खलीला मस्जिद के पास रूम ले सकते हो, वहाँ पे स्टूडेंट्स रहते हैं. हरी मस्जिद के पास रह सकते हो. हरी मस्जिद के पास मैं बोल सकता हूँ हब है जामिया के स्टूडेंट्स का. सबसे ज़्यादा स्टूडेंट हरी मस्जिद के पास रहते हैं. पहलवान चौक पर आप रह सकते हो. फिर देखें जाकिर नगर. जाकिर नगर इज़ अ वेरी फेमस एरिया, मतलब खाने के लिए, रहने के लिए, हर चीज़ के लिए. बटला हाउस चौक है, बटला हाउस स्टैंड है, आप यहाँ पे अगल बगल जगह पे रह सकते हो. अब आप ये सोच रहे हो कि अगर मैं दिल्ली आता हूँ, मैं जामिया में एडमिशन ले लिया, मैं कैसे पता चलेगा मुझे कहाँ रूम मिलेगा? देखो, अगर आपके दिल्ली में कोई रिलेशन में है तो क्लास जब स्टार्ट होती है तो 1 हफ्ता उनसे बोलो कि आप मुझे 1 हफ्ता रखिए. जब मैं क्लास में जाऊँगा तो क्लास के बच्चों से आप बात कर सकते हो कि भाई आप बाहर रहते हो तो कहाँ पे रहते हो, क्या आपके रूम में जगह है. ऐसे करके जब आप क्लास जाने लगोगे ना तो बच्चे मिल जाते हैं, आप अपने क्लासमेट्स के साथ ही सेटल हो जाओगे उनके साथ रूम पे, या वो आपके साथ सेटल हो जाएंगे. या 2-3 लोग हो गए तो तुम लोग बटला हाउस में ढूंढ के, क्योंकि बटला हाउस में ब्रोकर्स आपको मिल जाएंगे जो रूम दिला सकते हैं, तो वो आपको रूम दिला देंगे, तो आप उनके साथ ईजिली सेट हो सकते हो और बहुत सस्ते में अच्छा रूम मिल जाएगा आपको बटला हाउस में. तो रहने की तो कोई दिक्कत नहीं है बटला हाउस में. यह है कि हाँ, आपको आके एक्सप्लोर करना पड़ेगा जगह, हर जगह आपको पता करना पड़ेगा. ऐसा नहीं है कि रूम सजा के रखो, आप आइए ले लीजिए. थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है रूम के लिए, तब जाके मिलता है. अब रही बात खाने के लिए, तो यार सबसे सस्ता खाना मैं बोलूँगा ना, मेरे हिसाब से, तो वो बटला हाउस में मिलता है. एज ए स्टूडेंट अगर मैं बोलूँ तो मैं 40 रुपये में मैं एक वक्त का खाना खा सकता हूँ अच्छे से. बटला हाउस में आपको हर तरह का खाना मिलेगा, महंगा से महंगा और सस्ता से सस्ता. आपको हर गली में 3 होटल मिल जाएंगे, हर गली में 3 होटल मिल जाएंगे. खलीला मस्जिद के पास होटल मिल जाएगा, बटला हाउस चौक पे आपको होटल मिल जाएगा, हरी मस्जिद के पास आपको होटल मिल जाएगा, पहलवान चौक के पास आपको होटल मिल जाएगा. और जाकिर नगर तो यार खाने का हब बोल सकते हो उसको. जाकिर नगर इज़ फेमस फॉर फूड. आपको हर तरह का खाना मिल जाएगा. जावेद नेहारी का नाम सुना होगा जाकिर नगर में यार. और ठंड का भी मौसम है, ठंड और जाकिर नगर में रहते हो और जावेद नेहारी नहीं खाए तो फिर तुम जाकिर नगर में रहते क्यों हो भाई? तो ये बात थी. आई होप आपको जो मैं बोला वो समझ में आ गया होगा या आ रहा होगा. देखो, शुरू शुरू में सबके साथ दिक्कत होती है. हर किसी को थाली में परोस के चीज़ें नहीं मिलती. थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है, थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है और इसी का तो नाम है यार ज़िंदगी. तो वेलकम जिनका जिनका एडमिशन हो गया जामिया में, उनको वेलकम इन आवर वर्ल्ड. जिनका नहीं हुआ है तो देखो यार, होप नहीं हारते हैं, कोशिश करो. लिस्ट आने तक का वेट करो, लास्ट आखिरी लिस्ट तक वेट करो. अगर नहीं होता है कोई बात नहीं यार, फर्स्ट अटैम्प्ट में हर किसी का एडमिशन नहीं होता है. फिर से एक तैयारी करो, अगली बार दो. अब क्या, फरवरी में तो फिर फॉर्म आ रहा है, अगली बार दो और अगली बार अच्छे से और तैयारी करो. देखो कहाँ कहाँ कमियाँ रह गई थी और अगली बार फाड़ दो एकदम. हाँ, और सेकेंड पॉइंट जो अभी मुझे ध्यान आया, जो मुझे बोलना था, वो ये है कि बहुत सारे बच्चे डिप्लोमा के ये कमेंट कर रहे हैं कि मेरे 75 नंबर्स आ रहे हैं, मेरे 130 मार्क्स आ रहे हैं, मेरे 50 मार्क्स आ रहे हैं, क्या मुझे CS मिल जाएगा, क्या मुझे मैकेनिकल मिल जाएगा, वहाँ की प्लेसमेंट कैसी? तो भाई एक बात बताओ, जामिया मेरे अब्बा का नहीं है ना यार. मैं आपको एज अ ओपिनियन बताया था कि लास्ट ईयर तक यहाँ तक कट ऑफ गया था,
इस बार चांसेस है कि थोड़ा सा लो जाए, ऊपर भी जा सकता है, ठीक है, वो तो लिस्ट आने पे ही पता चलेगा। अब 50 मार्क्स पे मैं आपको बोल दूं कि आपको कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा, आपका लिस्ट है, आप बोलोगे भाई आप तो बोले थे मुझे तो नहीं मिला यार, तो वहाँ पे आप बोलोगे यार मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो इसलिए मैं अभी नहीं बता सकता कि आपको 130 मार्क्स पे आपको मिल जाएगा एकदम, मैं कैसे श्योरिटी दे दूँ यार। तो वेट करो, फर्स्ट मैं सबको जो भी मैसेज करता है मैं ये बोलता हूँ कि वेट करो फर्स्ट लिस्ट आने का। फर्स्ट लिस्ट आने पे कट ऑफ भी पता चल जाएगा कितना जा रहा है, और ब्रांच भी पता चल जाएगा कि कितने मार्क्स पे कौन से ब्रांच मिल रहे हैं। जब तक लिस्ट नहीं आता तब तक कुछ नहीं कह सकते दोस्त कि आपको कौन सा ब्रांच मिलेगा या आपका एडमिशन होगा भी या नहीं होगा, नथिंग। पहले लिस्ट का वेट करो, लिस्ट आने दो। और जहाँ तक लिस्ट आने की बात है, देखो अगर इस महीने के आखिरी तक नहीं आती है तो मे बी पॉसिबल है कि इंशाल्लाह दिसंबर के फर्स्ट वीक तक आ जाए, क्योंकि जामिया 31 दिसंबर तक सब कुछ क्लियर कर देगा, एडमिशन सारे एडमिशन ख़त्म हो जाएंगे, जामिया ने नोटिस निकाला था। तो घबराओ मत, थोड़ा सा पेशेंस रखो, ठीक है, जो होगा इंशाल्लाह बेहतर होगा। सो अगर वीडियो पसंद आती है, वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करके जाओ यार, मैं बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, मैं नहीं बोलता लेकिन मैं अब बोल रहा हूँ यार, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। तो अगर वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो यार। और थैंक यू सो मच लास्ट वाले ब्लॉग को इतना ज़्यादा आपने प्यार और सपोर्ट दिखाया, ऐसे ही आप मुझे प्यार और सपोर्ट दिखा चाहिए। आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी मैं कोशिश करूँगा उसके सोल्यूशन जल्द से जल्द मैं आपके सामने ला कर रखूँ, और आपके जो भी प्रॉब्लम्स है उसका मैं सोल्यूशन दे सकूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टूडेज व्लॉग। और मैं बता दूं यार, बहुत सारे लोग बोले कि भाई आप टेक्निकल डालो जामिया, भाई मैं व्लॉग के थ्रू ही मैं जो अपनी बात है वो मैं आपसे बोल सकता हूँ, बिकॉज यूट्यूब का भी अपना रोल है यार, मैं हर चीज़ यहाँ खुल के नहीं बोल सकता ना। ये बताओ टी शर्ट कैसा लग रहा है। खैर, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टूडेज व्लॉग गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। इंशाल्लाह मैं प्लानिंग में हूँ नेक्स्ट वीक एक मैं व्लॉग डालूंगा बहुत अच्छे जगह का, दिल्ली का। तभी मैं बाहर नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मेरे कुछ घर पे भी काम थे और मेरा कुछ पर्सनल काम भी था जिसमें मैं थोड़ा सा बिजी चल रहा था। तो वेरी सून आई एम गोइंग टू शूट समथिंग अमेजिंग व्लॉग्स एंड आई विल प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ यू गाइस। तो थैंक यू सो मच।